जी फ्रेंड्स फार्मा की क्यूसी में हायरिंग हो और अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो सीनियर पोजीशन के लिए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रूम को देखा जाता है क्यूसी के लिए तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन आंसर चल रही है आजकल तो उसी पे आज भी हमारी बात होगी हम देखेंगे कि एचपीएल सी के हवाले से कुछ सिलेक्टेड और क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं अगर आप सीनियर पोजिशन पर हायर होते हैं तो उनको आज डिस्कस करेंगे आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्या और मैं सफदर खान क्या देखिए फ्रेंड्स जब आप सीनियर पोजीशन पे सुपरविजन में एचपील सी को देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपसे इस तरह का सवाल लाजमी पूछा जाता है कि एचपीएल ऑपरेशन के दौरान क्यों लीक कर जाता है क्या कॉजेज होते हैं कि जब आप एचपीएल चला रहे हो एक घंटे बाद दो घंटे बाद आपको पता चलता है कि सिस्टम लीक कर गया इसके पीछे क्या कॉजेज है तो बड़ा टेक्निकली आपको इसका आंसर करना होता है वो आप सुनिएगा कि इसका आंसर क्या है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो एक दो चार क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाए देखिए जब भी सिस्टम कोई लीक कर जाता है ड्यूरिंग एनालिसिस तो इसके डेफिनेटली इसका जेन्यून रीजन होता है जब सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाता है जब भी आपके सिस्टम का ब्रेक प्रेशर हाई होगा तो डेफिनेटली आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बीप करने के बाद लीक कर जाएगा किसी न किसी पॉइंट से लीक कर जाता है फिर दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड और के सिस्टम के बैक प्रेशर के हाई होने के पीछे क्या कॉजेज है क्यों सिस्टम का ब्रेक प्रेशर हाई कर गया अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं इस पे आपका एनालिस्ट भी इन्वॉल्व है इस तरीके से करना है और दूसरा जो जो अगर कंटामिनेशन तो आपके सिस्टम में जा रही है जो आपके सिस्टम में ब्लॉकेज क्रिएट करती है जब सिस्टम में कंटामिनेशन जाती है ब्लॉकेज क्रिएट करती है किसी भी स्टेज पे तो डेफिनेटली दौरान सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाता है लिमिट से बूस्ट कर जाता है तो सिस्टम में या तो प्लंजर या सील्स के खराब होने के चांसेस भी होती है या तो दूसरा सिस्टम किसी न किसी पॉइंट से से लीक कर जाता है जहां पे आपके सेंसर लगे होते तो हैं वो बीप करने लग जाते है। तो ये होता है इसका टेक्निकली आंसर लेकिन आपको पता है इंटरव्यू लेने वाला कुछ भी सवाल से सवाल निकालते हैं तो डेफिनेटली फिर वो ये भी पूछते हैं कि ये जो सिस्टम का लीकेज हुआ कंटामिनेशन गई इसको हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं किस तरह रोक सकते हैं कैसे अपने सिस्टम को आप कंटामिनेंट से रोक सकते हैं जो सॉल्वेंट्स के लिहाज से हो या एनालिस्ट के हो तो इसके इसके पीछे क्या इसको क्या रेमेडी आप अप्लाई करते हैं कि आप अपने स्टाफ को किस तरह सुपरविजन करेंगे कि कंटामिनेशन आपके सिस्टम में जाए तो डेफिनेटली इसका भी आंसर बड़ा टेक्निकली आपने देना है तो जब आप सिस्टम को एचपीएलसी को कंटेमिनेट से रोकना चाहते हैं कि कंटामिनेशन जाए तो इसका आंसर आपने इस तरीके दे देना है जो आप एचपीएलसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनमें आप प्रोपरली सॉल्वेंट्स को एचपीएलसी ग्रेड यूज करेंगे ठीक है और प्रॉपरली पॉइंट फोर फाइव से पॉइंट टू टू माइक्रोन के फिल्टर से फिल्ट्रेशन लाजमी करेंगे चाहे मोबाइल फेस हो या आपका सैम्पोल हो ये लाजमी आपने करना है दूसरा या तो आपका जो एचपीएल सी है उसमें आप गार्ड कॉलम अप्लाई करें यानी एचपीएल सी कॉलम से पहले आप गार्ड कॉलम लगाएं इससे भी आपकी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज सिस्टम में नहीं जाती आपकी ट्यूबिंग में और कॉलम में नहीं जाती और आपने सिस्टम में जो कंटामिनेंट्स है उसके जाने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका सिस्टम प्रिवेंट हो जाता है ब्लॉकेज के लिहाज से ठीक है इसका आंसर आपने इस तरीके से करना है इसके बाद एक और चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि अगर सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज हुई है और लीकेज हो गया है बैक प्रेशर हाई हो गया है तो हम उस ब्लॉकेज को कैसे जज करेंगे कि ब्लॉकेज किस जगह पे और कैसे है आप कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं अगर सिस्टम में ब्लॉकेज आ गई है तो उसको आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं देखें इसके लिए बड़ा टेक्निकल और आंसर है जो मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं डिस्कस किया था मैं आप फिर आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर आपके सिस्टम में ब्लॉकेज आई है एचपी के अंदर और उसको आप देखना चाहते हैं कहाँ है तो उसको जज करने के तरीका है सबसे पहले आप अपने कॉलम को अपने डिटेक्टर से डिस्कनेक्ट कर दे दें यानी कॉलम को जितने जितने प्वाइंट डिसकनेक्ट करके चेक करते हैं और सिस्टम को फ्लोर देख के देखते हैं तो अंदाजा करते हैं कि अगर प्रेशर किस पॉइंट पे डाउन हो रहा है तो उससे आप जजमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉलम को एचपीएससी के डिटेक्टर से कनेक्ट कर दिया और फिर दोबारा फ्लो रेट फ्लोर दे देखा और आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है कम नहीं हो रहा है इसका मतलब है कंटामिनेशन आपके कॉलम में ही है यहीं यही यानी डिसकनेक्ट करने के बाद भी प्रेशर हाई है तो इसका मतलब है कॉलम में कंटामिनेशन है लेकिन अगर डिस्कनेक्ट करने के बाद कॉलम का प्रेशर सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाए तो इसका मतलब आपका कंटामिनेशन आपके कॉलम में नहीं है कॉलम से आगे कंटामिनेशन इस तरह आप जज करते हैं फिर आप कॉलम कनेक्ट करने के बाद आगे जाते हैं आप देखते हैं कि जो आपका फ्रेड्स वाला लेवल है या आपके जो स्रिज में है वहां पॉइंट्स पे चेक करते हैं आपके कॉलम की जो फ्रिट्स होती है प्लंजर के पास लगी होती है पंप में उसको चेंज कर, करके देखते हैं क्योंकि वो ब्लॉकेज हो जाती है कंटामिनेशन के बाद अगर उसको ब्लॉक चेंज करने के बाद आपका सिस्टम का प्रेशर मोस्टली डाउन हो जाता है क्योंकि वो एक टाइम के बाद कंटामिनेशन हो जाती है तो उसके डाउन होने से भी आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली अगर सिस्टम डाउन हो गया तो आपके एच कंटामिनेशन फिट्स के लेवल तक थी लेकिन इसके बाद भी अगर डाउन नहीं हुआ तो फिर इंटरनल कहीं ब्लॉकेज आई है जो आप डिफरेंट आउटसोर्स सर्विसेज आप लेते हैं जो जो आपके एंड नहीं होते जो होते पॉसिबिलिटीज चांसेस हैं आप उसको सॉल्व करते हैं अदरवाइज आउटसोर्स से इस तरह आपने आंसर करना होता है कि अगर सिस्टम में ब्लॉकेज हो गई है तो उसको आप किस तरह जज करते हैं और किस लेवल पे कैसे लेके आएंगे आए ये कुछ टेक्निकल वो आंसर्स है जो आपको एक सीनियर लेवल पे देने होते हैं जब भी इस तरह की

शेयर कीजिए लाइक कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज